नमस्कार व्यूअर्स, जी न्यूज 24 यानी कि ग्वालियर न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की खास रिपोर्ट। सदियों से शोषित वंचित समाज के प्रति किसी दबंग द्वारा अत्याचार करने पर, किसी घटना को अंजाम दिए जाने पर पुलिस को तुरंत क्या कार्यवाही करना चाहिए, पीड़ित का फौरी तौर पर किस प्रकार की मदद करनी चाहिए, जानते हैं आईजी चंबल डीजीपी गुप्ता जी से। कार्यशाला का आयोजन हमारे एसपी के साथ द्वारा किया गया है और इसमें हमारे पुलिस अधिकारी सभी जिलों से आए हैं। 60 अधिकारी इसमें भाग ले रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि जो शासन की योजनाएं हैं उनका लाभ जो कमजोर वर्ग के लोगों को पूरा पूरा मिले, जैसा कि चर्चा की, और जो उनके मामले आते हैं उसमें पुलिस जो जब मिलना जुलना होता है, उनसे बातचीत होती है, संवेदनशील रहे, उनकी जरूरतों के प्रति सजग रहे पुलिस, और उनका अच्छे से केस, उनके जो मामले आते हैं, मामले दर्ज होते हैं, उन मामलों में पुलिस बहुत अच्छी विवेचना करे, जिससे अपराधियों को सजा मिले और जो पीड़ित पक्ष है पीड़ित पक्ष को सहायता मिले। ये दो देश के साथ आयोजन किया है। चंबल संभाग के जो 4 जिले हैं, चंबल संभाग के अधिकारी इसमें उपस्थित हैं। 60 बड़े अधिकारी यहाँ पर इस आयोजन में भाग ले रहे हैं। आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।